हेलो माय यूट्यूब चैनल अतरंगी रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जो आप लोग नए देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलती हूँ बंस बनाने के लिए। स्टैंड बंस कैसे बनाने हैं चलती हूँ देख लेती हूँ किस तरीके से बनाने हैं। तो ये मैंने 2 कप ले लिया है मैदा और 1 कप लिया है आटा। तो इसको स्टैंड बनाना है तो कैसे बनाना है, तो ये मैंने ईस्ट ली है 1 चम्मच, वो हमें अभी तुरंत ही डालना है। तो कुछ कम है 1 चम्मच से, पर इतनी ही लेनी है मुझको। और ये चीनी डाल रही हूँ, इष्ट चीनी का खाना है। चीनी जो है मतलब इष्ट को फर्मेंट करती है। और ये स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बस थोड़ा सा मुझको इसमें तेल डालना है, तेल थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, 2 चिमची लगभग तेल मुझको इसके अंदर डालना है। मतलब जितना आटा ले उस हिसाब से मुझको सारे सामान डालने होते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक से ही खाने अच्छे बनते हैं। जो भी चीज़ बनाए वही छोटे छोटे ट्रिक से ही बढ़िया चीज़ बनने लगती है। तो इसको छोटे छोटे चीज़ों को आप फॉलो करें, उस हिसाब से आप लोगों की भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जो पहली बार देख रहे उन लोगों की भी अच्छी बनेगी। मतलब सही से आप देखें, पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करें। तो अच्छी तरीके से मैंने मेल्ट कर लिया है और पानी रख दिया है मैंने थोड़ा सा गरम करने के लिए। और गरम पानी से मुझको इसे गूथना है। जैसे ही थोड़ा सा 1 से 2 मिनट मुझको पानी को गरम करना है। और ये अच्छी तरीके से मैंने इसको बस मेल्ट करके अब स्टैंड ही बनाना है। तो ये है थोड़ा पानी नहीं गरम करने में क्या समय लगता है, ज़्यादा गरम नहीं करना। अगर ज़्यादा गरम हो जाए तो थोड़ा सा पानी मिला लें। तो ये मेरा थोड़ा सा गरम हो गया था तो मैंने थोड़ा सा मिला लिया है। मीडियम पानी रखना है, इतना कि जितनी में आपके उंगली सहजा उतना ही पानी चाहिए गरम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और कलछे की मदद से इसको हमें आटे को चलाना है। हाथ को बिल्कुल नहीं चलाना है, जो आपका हाथ जल जाए। और फिर आगे का कैसे प्रोसेस होगा। तो इधर हमारी सब्जी तैयार हो रही है आलू पनीर की, और उधर मैं उसको बना रही हूँ आटे को। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना, कलछे की मदद से ही चलाना है। एकदम बिल्कुल नहीं डालना है, एकदम अगर आप डालेंगे तो पता नहीं गीला भी हो सके, तो इसलिए थोड़ा ही पानी करके डालें। थोड़ा थोड़ा थोड़े से अंदाज़ा बना रहता है कि हमें कितना पानी और चाहिए, उस हिसाब से ही डालें। और देखना कितने हल्के हाथों से मुझको इसे मिलाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिलाना है ताकि ये जो हम बनाएंगे बस वो जालीदार बढ़िया बन के ये तैयार हो। तो ये देखिए सारा अच्छी तरीके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बढ़िया मैंने सॉफ्ट लगा लिया है डो। और मुझको बस अपने कलछे को हटा देना है। ये आटा भी हमारा अच्छे तरीके थोड़ा बहुत ठंडा ही हो गया होगा चूँकि देख रही हूँ। और बस हमें ये कलछे को हटाना और हाथ से ही इसको अब मसलना है। तो ये देखिए टाइट डो बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने वाला आटा बिल्कुल नहीं गूंदे जाएगा। उसको बस हल्के हाथों से ही मसलना है। और कितनी आसानी से एक हाथ से मसला जा रहा है ये देखिए। वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगे लाइक से जरूर करें प्लीज। और थोड़ा सा ये देखिए मैंने इसमें ऊपर से पानी लगाया है, चाहे तो आप तेल भी लगा सकते हैं। और ढक के रख दिया है इधर, जब तक कि मैं कढ़ाई को रख रही हूँ गरम करने के लिए। तो जैसे हमारी कढ़ाई गरम हो जाएगी मैं आपको
दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। तो ये देखिए हमारा आटा भी फर्मेंट बहुत ही जल्दी हो गया, करीब 10 से 15 मिनट में हो गया है। कितनी आसानी से जालीदार ये बनेंगे आपको मैं दिखा चुकी हूँ, और फिर दिखाऊंगी आपको कितने बेहतरीन बने हैं। और ये देखिए बढ़िया फर्मेंट हो गया है आटा हमारा, देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से आप कुलचे भी बना सकते हैं। तो ये मैं थोड़े के तो बनाऊंगी, और थोड़ा जो बच जाएगा तो उसके कुलचे बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा करके इसको मुझे बंद करना है लोई को, बस इस तरीके से बंद लगाना है। ये देखिए एक लोई हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा आटा डस्ट कर रही हूँ कि ताकि हमारे बर्तन में चिपके नहीं लोई। इस तरीके से मुझे सारी लोइयाँ काट लेनी है। अच्छा लोई अपने छोटी बड़ी अपने साइज से बना सके, जैसे आप लोगों को अच्छी लगे। तो स्टैंड में बना रही हूँ, थोड़े छोटे ही बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैं फिर अब किसी दिन वीडियो अपलोड करूँगी, बड़े बड़े से बंस बनाऊँगी, थोड़े जो मार्केट में पाए जाते हैं उस तरीके से बनाऊँगी। तो पहले तो अब ये छोटे ही बना रही हूँ, बच्चों की थोड़ी च्वाइज है कि हमें छोटे छोटे ही चाहिए खाने के लिए, तो मैं मिनी साइज बना रही हूँ। तो सारी लोइयाँ हमारी इस प्रकार से ही छोटी छोटी काट रही हूँ। सूखा आटा जरूर लगाएं ताकि हाथ में चिपके नहीं, ये मैदा है ना इसलिए चिपकना शुरू करता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा इसमें मिला लिया है। कुछ लोग पूरे मैदे से ही बनाते हैं और कुछ लोग आटे से भी बनाते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आटा पूरा आटे से ही बनाते हैं, क्योंकि आटे की जो चीज़ें बनाई जाती ज़्यादा विटामिन से भरपूर होती हैं और कभी नुकसान नहीं करते, चाहे जितना भी खा लो। और मैदे की चीज़ ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो वो थोड़ा स्किप करते हैं मैदा को लोग बाग। पर मैंने दोनों चीज़ मिक्स करके बनाया है, इसको रख दिया है ढक करके लोई को। और उधर हमारी कढ़ाई गरम हो रही है, जैसे कढ़ाई हमारी गरम हो जाएगी वैसे ही इसको मैं अब बंस उसी में सजा के रख दूंगी बर्तन में। तो ये देखिए छोटी बड़ी लोइयाँ हो गई हैं। थोड़ी सी ऊपर से कलौंजी रख रही हूँ, काले तिल यानी, बस ये देखिए कितनी अच्छी स्टीम हो चुकी है कढ़ाई लोहे की। और इसी में मैं अपनी ये प्लेट को रख देती हूँ और ढक के रख दिया है करीब 30 मिनट के लिए। तो जैसे ही मैं बीच में भी देखूंगी तो 20 मिनट के बाद ही मैंने देखा है। तो ये देखिए कितने आराम खूब काफ़ी फैल चुके हैं अच्छी तरीके से। और इसमें अच्छा कलर लाने के लिए मैं दूध लगा रही हूँ, ब्रश से किसी की मदद से, मतलब चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा दूध लगा दें इसी बंस पे। और ये देखिए इसके कलर बहुत ही अच्छे आएंगे, दूध लगाने से चमक बढ़ेगी, तो जरूर लगाएं। अगर ये देखिए, और कुछ लोग तो दूध से भी बनाते हैं बंस, पर ये मैंने पानी वाला बनाया है, पानी से गूंथा था आप लोगों के सामने देखा था। और ये फिर मैं ढक के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके और कितने मुलायम सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने बढ़िया बने, चमक कितनी शाइनिंग आ रही है। तो मिनी भी हैं, थोड़े छोटे बड़े मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तोड़ के दिखाऊंगी कितने अच्छे बने हैं ये जालीदार। तो ये घर में बनाए ओरिजिनल चीज़ बच्चों को खिलाने के लिए। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ।